वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जरा जन्म दुह कहो गताप्य महानम प्रभो पाहे आपन नमामी सम्भो प्रभो पाहे आपन नमामी सम्भो प्रभो पाहे आपन नमामी सम्भो सदा संप्रोक्तम विक्रण हर्को से ये पठनावक तेषां शम्भो प्रसीदतो तेषां शम्भो प्रसीदतो तेषां शम्भो प्रसीदतो। हाँ जी चलिए। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थिति अर्थात माया दिल रहित मायद गुणों के रहित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के सूलों दुखों के को निर्मूल करने वाले हाथों में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से भी परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न हुजिए जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को नहीं बजते तब तक उन्हें ना तो यह लोक और न परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके पापों का नाश होता है। अतः ये समस्त जीवों के अंतर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हुजिए। मैं ना तो योग जानता हूँ न जप और न पूजा ही हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया, जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन विनती सर्वभाग्य से वे देख बे प्रय अनुराग पुन मंदिर नभवानी भई तो ध्वज भर भर मांग जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर ने हो निज पद भगत देव प्रभु तो पुन दूसर बर देव तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे भोलान ते के ते पर क्रोधन करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल ए पर हो कृपाल रामा ए पर हो कृपाल
साप अनुग्रह होए जही नत थोरे ही कल सिया पते राम जय जय राम तुम्हा पते राम मेरे स्वामी राम। मंगल भवन अमंगल हारी रहो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। भाई शरीर शरीर में तो दमना है, चलो चलो शरीर में तो दम नहीं है। ने बेनती और सुनी मन है रो फंडे का और ब्राह्मण का प्रेम मन हट रहा है मेरे। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। हां के कामना करते काने कामना करते पाए कामना करते यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और हे नाथ यदि यहां से जाके मड़ाइयो मुगावे हो आपका स्नेह है तो बच्चा तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। फिर सुने हो तुम्हारी हे प्रभु क्या कह रहे हैं अज्ञानी जीव आप माया पागल पर मरीनों की मारो काय दे रहो निरंतर भूला प्रताप है देना पड़ता है ये कृपा के रामण जब तक होइए तो टिक जाऊंगा। उस पर क्रोध न कीजिए हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर अब इस पर कृपालु होइए कृपा कीजिए जैसे रथ के पहले को गलगला सुन तक न जाए गोबर को तक तो मच जाए पगले जोते जल्दी मुड़ ये समस्या है। अरे एही करे सो ई कर होए परम कल्याण सोई करो अब कृपा निधान विप्रगिरा सुन पर हित सानी मस्त हित भई नव बानी। हे कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो दूसरे के हित से सनी हुई बाणी परोपकार की बात समझो सारा परोपकार है उनका फिर आकाश मारी हुई एव मस्तु ऐसा ही हो ऐसा ही हो। अरे जद पिकीन दारुण पापा मैं पुण्य दीन को पकर सापा तदपि तुम्हारे साधुता देखी करे पर कृपा विशेखी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है अरे दरेश और मैंने भी वादे तीस मारते गए तुम्हारी गलती पकड़ूंगा वो गलती पकड़ने आया है तो भी तुम्हारी सालता देखकर मैं लगा मैं ताकत विशेष कृपा करूंगा। अरे क्षमाशील जे परोपकारी ते ध्वज मोहे प्रिय जथा खरारी अरे मोर श्राप ध्वज व्यर्थ न जाए जन्म सहस अवश्य यह पाव है। हे ध्वज जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी के ध्वज मेरा साफ व्यर्थ नहीं जाएगा या हजार जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई ए स्वल्प न सपने सोई। अरे कबने हो जाता न मिटाए नहीं ज्ञान सुने शूद्र मम बचन प्रभाना। परंतु जन्म से जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है जी। इसको वह दुख कभी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा कि भगवान ने कैसे श्राप दियो मैंने गुरु को कैसा अपमान करो सत्य वचन सुन। अरे रघुपति पुरे जन्म तब भयऊ पुनिते मम सेवा मन दयऊ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगते उपजाएं उर तोरें सीताराम।